वेलकम डियर रॉकर्ट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं पेशेंट जीरो। तो आज मैंने वैसे कोई इंट्रो नहीं रखा है, तो कहानी की शुरुआत करते हैं डायरेक्ट। शुरुआत में बताया जाता है कि धरती पर रेबीज वायरस का एक वेरिएंट वायरस फैल चुका है, जिससे लगभग 7 करोड़ लोगों की मौत हो चुकी है। और उसी वजह से लोगों ने पहले की तरह रहना छोड़ दिया है, मतलब वो अलग तरीके से रह रहे हैं। लोग अब बंकर्स में रहते हैं, जहां पर अंडरग्राउंड बंकर के अंदर उनके लिए सारी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। तो अब डॉक्टर्स को दिखाते हैं जो इस वायरस की वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें पेशेंट जीरो नाम का एक पेशेंट चाहिए, जिसको लेकर ऐसा माना जाता है कि अगर वो उनको मिल जाए तो उसकी मदद से वो वायरस की वैक्सीन बना पाएंगे। सो इस वायरस के बारे में और जानते हुए उनको ये पता चल जाता है कि ये वायरस 90 सेकंड्स के अंदर ही किसी को भी इन्फेक्ट कर सकता है और अगले पल वो किसी जानवर में बदल जाएगा। हालांकि दोस्तों, बाकी जॉम्बी मूवी की तरह यहाँ पर जॉम्बी का कॉन्सेप्ट वैसा नहीं है जैसा हम ज्यादातर मूवी में देखते हुए आए हैं। ये जॉम्बीज वैसे बेवकूफ जॉम्बीज नहीं है जो किसी पर भी हमला करके उनको इन्फेक्ट कर देते हैं, बल्कि इनके पास अपनी बुद्धि है, सोचने की क्षमता है और इनसे बात भी की जा सकती है। तो आगे हम मॉर्गन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो ऐसे ही अंडरग्राउंड बंकर में रहता है और वो वैक्सीन टीम का हिस्सा भी है। ये वैक्सीन टीम मिलिट्री और डॉक्टर्स की टीम है, जिसमें मिलिट्री का काम तो यह है कि जॉम्बीज बने हुए इंसानों को पकड़ कर लेकर आना और डॉक्टर्स का काम है उन पर टेस्ट करके वैक्सीन बनाने की कोशिश करना। अब हालांकि मॉर्गन तो कोई डॉक्टर या मिलिट्री वाला है नहीं, तो वो इस टीम में क्या कर रहा है इसका जवाब आपको जल्द मिल जाएगा। मॉर्गन अब एक्सपेरिमेंट रूम की तरफ जा रहा होता है। इस दौरान हम देखते हैं कि बंकर के अंदर ही पूरा मार्केट है और लोग वहां से अपनी जरूरत की सारी चीजें खरीद रहे होते हैं। उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट रूम पर पहुंचता है। वहां वो डॉक्टर रोज और डॉक्टर स्कूट के साथ काम कर रहा होता है। साथ में वहां पर निगरानी के लिए कर्नल भी होते हैं, जिनका नाम नॉक्स है दोस्तों। इसी बीच वहां पर एक जॉम्बी को भी लाया जाता है जो लगभग 5 महीने पहले इन्फेक्ट हुआ था। फिर उस जॉम्बी को ना ये लोग एक ट्रांसपेरेंट चैम्बर के अंदर वहां पर डाल देते हैं, उसको बंद कर देते हैं। फिर मॉर्गन चैम्बर के अंदर जाकर उस जॉम्बी से बात करने लगता है। एंड ये काफी शॉकिंग है वैसे कि मॉर्गन जॉम्बी से कैसे बात कर रहा है, रुकिए जरा। क्योंकि इस बारे में मॉर्गन खुद जॉम्बी को बता देता है कि मैं और मेरी वाइफ दोनों लगभग 1 साल पहले इस वायरस से इन्फेक्ट हुए थे। जहां मेरी वाइफ तो वायरस की वजह से जॉम्बी में बदल गई, वहीं मेरी बॉडी ने किसी तरह इस वायरस को झेल लिया और मुझे ऐसी पावर दे दी जिससे मैं जॉम्बी से बात कर सकता हूं। मॉर्गन फिर उस जॉम्बी से उसका नाम पूछता है, जिसमें वो बताता है कि मेरा नाम मेंस्टो है और मैं मिनेसोटा में हैलोवीन के वक्त पर इन्फेक्ट हुआ था, यानी कि अक्टूबर के महीने में। मॉर्गन फिर मिनेसोटा को समझाता है कि देखो, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि तुम और तुम्हारे जैसे सभी लोग। अब मॉर्गन मिनेसोटा से बात कर ही रहा होता है कि तभी बाहर कर्नल नॉक्स का पेशेंस टूट जाता है और वो माइक पर कुछ ऐसी बकवास करता है जिस वजह से मिनेसोटा, जो कि मॉर्गन से बात कर रहा था अभी तक और शांत था, वो फिर से अग्रेसिव हो जाता है। इस पर तो मॉर्गन को भी गुस्सा आता है कि यार, मैं इनके लिए बात कर रहा हूं और यह है कि उसको भड़काया जा रहा है। वो भी नॉक्स पर चिल्लाकर चैम्बर से बाहर आ जाता है, जिसके कुछ देर के बाद नॉक्स उसे वापस चैम्बर में जाने को कहता है, लेकिन मॉर्गन तो गुस्से में होने की वजह से जाने से बिल्कुल मना कर देता है। अब इससे तो वो नॉक्स और गुस्सा हो जाता है और सीधे जाकर गन से मिनेसोटा की खोपड़ी उड़ा देता है। मॉर्गन भी ये देखकर गुस्से के अलावा कुछ कर नहीं पाता, सोचता है कि कितने जालिम लोग हैं ये। मॉर्गन इसी गुस्से में नॉक्स पर हाथ उठाने वाला होता है कि उससे पहले नॉक्स उसके सर पर भी गन पॉइंट कर देता है। एंड फिर मॉर्गन को अपना गुस्सा शांत करना ही पड़ता है, वो वहां से जाना ही सही समझता है। आगे हम देखते हैं कि रोज मॉर्गन के पीछे आती है और वहां मॉर्गन उससे कहता है कि मुझे अब तक अपनी वाइफ जेनेट की चिंता होती है, मैं उसे उस दिन इन्फेक्ट होने से बचा नहीं पाया। जिसके बाद हम देखते हैं कि मॉर्गन रोज एक दूसरे से किस भी कर देते हैं, मतलब कि मॉर्गन की वाइफ के जाने के बाद वो रोज को पसंद करने लग गया है। लेकिन मॉर्गन के अंदर अभी भी अपनी वाइफ को जीवित करने के लिए जुनून सवार है। वो अपनी वाइफ जेनेट के लिए एक एंटीडोट लेकर जाता है जिसमें उसने अपना ब्लड मिलाया होता है, पर इससे ये कन्फर्म नहीं है कि इससे वो ठीक होगी। लेकिन हाँ, इसको लगने के बाद उसके शरीर में वायरस के बॉडीज काफी कम हो जाएंगे एंड क्या पता वो ठीक भी हो जाए। आगे एक्सपेरिमेंट रूम में एक और जॉम्बी को लाया जाता है, जिसे चेयर से बांधा जा रहा होता है, लेकिन बीच में वो बहुत अग्रेसिव हो जाता है और सोल्जर्स के हाथ से छूट जाता है। अब स्कूट उस जॉम्बी को रोकने जाता है, लेकिन उसी दौरान वो जॉम्बी उसको काट लेता है, जिससे स्कूट दर्द से चिल्लाने लग जाता है। सभी समझ जाते हैं कि स्कूट अब इन्फेक्ट होने वाला है, इसलिए सभी उसे वहां से मेडिकेशन रूम में लेकर जाते हैं। यहां तक कि रोज स्कूट के उस हाथ के हिस्से को काट देती है जहां पर जॉम्बी ने काटा था, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तब तक स्कूट के शरीर में पूरा वायरस फैल चुका था और वो इन्फेक्ट भी हो जाता है। अब नॉक्स को तो जरा भी दया नहीं है, वो सीधे स्कूट को शूट करके मार डालता है। हालांकि दोस्तों, वो स्कूट को बाकी पेशेंट्स के साथ रख सकता था, लेकिन नॉक्स ने यहाँ पर अपनी पूरी बेवकूफी दिखा दी उसको मारकर। आगे रोज और मॉर्गन स्कूट के बेटे के पास जाते हैं उसे बर्थडे विश करने के लिए, क्योंकि उन्होंने स्कूट के मरने से पहले उसे वादा किया था कि वो उसके बेटे का ख्याल रखेंगे। मॉर्गन स्कूट की मौत से बहुत गुस्से में होता है।
और सबसे ज्यादा गुस्सा उसको नॉक्स पर आता है। तो सबसे पहले तो वो सीधे उस इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी के पास जाता है जिसने स्कूट को काटा था और उससे पूछता है कि मुझे जल्दी बताओ कि पेशेंट जीरो कहां पर है और तुम उसके बारे में क्या जानते हो। लेकिन वो ज़ॉम्बी कुछ भी बताने से मना कर देता है, जिसके बाद मॉर्गन उसको गन पॉइंट पर कर देता है और इससे पहले कि मॉर्गन उसे शूट करके मार डालता, मॉर्गन को वापस बुला लिया जाता है, जहां उसको पता चलता है कि मेनेसेटो जो पहले वाला ज़ॉम्बी था और इस ज़ॉम्बी में जिसे अभी इन्होंने पकड़ा है, इन दोनों में एक सिमिलरिटी है कि दोनों मिनेसोटा से इन्फेक्ट हुए थे। यानी कि हो सकता है कि वहीं पर पेशेंट जीरो भी हो, दोनों लगभग एक ही समय के दौरान इन्फेक्ट हुए थे। आगे यहां से निकलने के बाद मॉर्गन जेनेट के पास जाकर उसे एक और एंटीडोट देता है, जहां इस बार जेनेट उसे कहती है कि मैं यहां प्लीज कैद में नहीं रह सकती, मुझे बाहर दुनिया में भेज दो जहां सभी इन्फेक्ट लोग रह रहे हैं, मैं भी उनकी तरह ही रहूंगी। मॉर्गन उसे कहता है कि तुम सब्र करो, जल्दी वैक्सीन बन जाएगी और तुम ठीक भी हो जाओगी। अब मॉर्गन रोज के पास जाता है जो उसके ब्लड के सैंपल को निकालती है ताकि वो उसको एग्जामिन कर पाए और देख पाए कि उसमें और क्या क्या चीजें हैं। जिस दौरान वो बताती है कि तुम्हारे अंदर वायरस के बॉडीज कम हो रहे हैं और तुम्हारे ब्लड की वजह से जेनेट भी काफी इम्प्रूवमेंट में है। कुछ देर के बाद रोज वहां से चली जाती है और तब वो मॉर्गन से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आगे हम देखते हैं कि कर्नल नॉक्स सभी मरे हुए सोल्जर्स की डेड बॉडी को इकट्ठा कर रहा होता है। तभी उनमें से एक मरा हुआ सोल्जर अपनी आंखें खोलता है और दूसरे सोल्जर को काट लेता है। तब उनको पता चलता है कि यह सोल्जर असल में ज़ॉम्बी में बदल चुका है, लेकिन वो सोल्जर काफी हद तक ना इंटेलिजेंट ज़ॉम्बी होता है, जिससे वो समझ पाते हैं कि शायद या तो यही ज़ॉम्बी पेशेंट जीरो है या फिर वो पेशेंट जीरो के बहुत ही क्लोज है। हालांकि वहां पर नॉक्स की उस ज़ॉम्बी से बहुत झपड़ भी होती है और मॉर्गन भी इसी बीच वहां पर आ जाता है जो उस ज़ॉम्बी को पीछे से पकड़ लेता है। अब हम जानते हैं कि नॉक्स तो गुस्से वाला है, वो ज़ॉम्बी को नॉकआउट करने वाला होता है, पर ये बात शायद ज़ॉम्बी समझ गया था एंड इससे पहले बोल देता है कि भैया मैं पूरी तरह से कोऑपरेट करने वाला हूँ, मुझे मॉर्गन से बात करने दो प्लीज। इसके बाद उस ज़ॉम्बी को चैम्बर में लेकर लाया जाता है और चेयर से बांध भी दिया जाता है। फिर वहां पर म्यूजिक चला जाता है जिससे ज़ॉम्बीज को अक्सर प्रॉब्लम होती है, लेकिन म्यूजिक का तो इस ज़ॉम्बी पर उल्टा ही असर होता है। वो उल्टा वहां बैठकर चिल करने लगता है, इतना ज्यादा चिल हो जाता है कि वो बड़े स्टाइल में वहां चेयर पर बैठे बैठे आराम से सिगरेट भी फूंकता है। अब ज़ॉम्बी मॉर्गन से बात करना शुरू करता है, बट सरप्राइजिंगली सभी ज़ॉम्बी की बातें समझ पा रहे होते हैं, जो कि ये दिखाता है कि ये ज़ॉम्बी कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है और इसने ये भी सीख लिया है कि इंसानों से कैसे नॉर्मली बात करनी है। एंड अगर ये दूसरे एंगल से देखा जाए तो बहुत डरावनी बात भी है, क्योंकि ज़ॉम्बी इंसानों जितने समझदार हो रहे हैं। अब वो ज़ॉम्बी कुछ ऐसी बातें बताता है जिसको सुनकर सभी बहुत ज्यादा डरने लग जाते हैं। वो बताता है, मैं इस बंकर में इसीलिए आया हूं ताकि मेरे साथियों को इस बंकर की लोकेशन का पता चल पाए और अगले ही पल वो इस पर हमला करने वाले हैं। वो आगे ये भी बताता है कि इस बंकर से बाहर दुनिया में लाखों ऐसे ज़ॉम्बीज हैं जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और कह सकते हैं वो इंसानों के दिमाग वाले ज़ॉम्बीज हैं, जिन्हें ये पता है कि तुम सब यहाँ मिलकर एक ऑपरेशन कर रहे हो जिसमें तुम पेशेंट जीरो को ढूंढकर वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम ये सब कुछ करो इससे पहले हमारे लोग यहाँ पर आ जाएंगे। एंड दोस्तों, इसके बाद वो ज़ॉम्बी खुद के बारे में बताना शुरू करता है कि वो कैसे इन्फेक्ट हुआ था, जिसमें वो बताता है कि मैं नॉर्मल सा यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था और उस दिन मैं अपना लेक्चर दे रहा था। तभी मेरी वाइफ का मुझे कॉल आता है और वो मुझे बताती है कि वो बहुत डरी हुई है और पूरे शहर में कोई वायरस फैल चुका है। मैं अपनी वाइफ से क्लासरूम के बाहर आकर बात कर रहा था, तभी मुझे क्लासरूम के स्टूडेंट्स के चिल्लाने की आवाज आई एंड जब मैंने क्लासरूम में देखा तो ढेरों ज़ॉम्बीज स्टूडेंट्स को मार रहे थे, उन्हें बेरहमी से मारते जा रहे थे। इसी बीच एक ज़ॉम्बी ने मुझ पर हमला कर दिया और मुझे भी इन्फेक्ट कर दिया। कुछ समय के बाद मुझ में भी उसके असर दिखने लग गए। आगे फिर मैं अपने घर गया और मैंने अपनी वाइफ पर भी हमला कर दिया। मैंने उसके शरीर को बुरी तरह से काटना शुरू किया और बड़े दर्दनाक तरीके से उसकी जान ले ली। ये सुनकर दोस्तों मॉर्गन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो प्रोफेसर को एक जोरदार पंच करता है और चैम्बर से बाहर आकर बैठ जाता है। इसके बाद अचानक से मॉर्गन के दिमाग में कुछ आता है और वो प्रोफेसर के शरीर के तलाशी करने लगता है। वो चेक करने लगता है कि प्रोफेसर के शरीर में कोई GPS ट्रैकर तो नहीं है। जहां उसे प्रोफेसर के शरीर में कोई GPS ट्रैकर तो नहीं मिलता, लेकिन जब वो बाकी ज़ॉम्बीज को देखने जाता है तो वहां पर वो ज़ॉम्बी जिसने स्कूट को काट कर उसकी जान ले ली थी, वो जबरदस्ती खुद का सर लोहे के सर में मारकर खुद की जान दे देता है। इसके बाद मॉर्गन को उसके शरीर में एक GPS ट्रैकर मिलता है, जिसे तो वो उसी वक्त तोड़ देता है। अब ये GPS ट्रैकर बाहर के ही ज़ॉम्बीज ने इस ज़ॉम्बी के अंदर फिट किया होगा, ये तो ऑब्वियस ही बात है। और अब बाहर के ज़ॉम्बीज को इस बंकर की लोकेशन का पता है, जहां वो किसी भी वक्त इस बंकर पर हमला कर सकते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि मॉर्गन को कैसे पता चला कि प्रोफेसर और उसके साथ ही GPS ट्रैकर लेकर घूम रहे हैं। तो इसका जवाब यह है कि प्रोफेसर ने अपनी कहानी बताते हुए कहा था कि टाइम इतनी वैल्यूएबल चीज है जिसे तुम खरीद नहीं सकते। एंड इससे मॉर्गन समझ जाता है कि प्रोफेसर अपनी कहानी बताकर उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। इससे होगा ये कि बाहर के ज़ॉम्बीज को ज्यादा टाइम मिल जाएगा बंकर में आने के लिए। और ज़ॉम्बीज बंकर तक आएंगे कैसे? ऑब्वियसली किसी GPS ट्रैकर की मदद से, क्योंकि स्मार्टफोन यूज करते तो पकड़े जाते हैं, स्मार्ट ज़ॉम्बी है ना। खैर, मॉर्गन का ये डर सच भी हो जाता है, जहां कुछ ही पलों में बंकर पर ज़ॉम्बीज के एक के बड़े एक झुंड का हमला होता है और सेल में बंद किए हुए ज़ॉम्बीज को भी बाहर वाले ज़ॉम्बीज आराम से छुड़ा लेते हैं। जिसके बाद ये सभी ज़ॉम्बीज बंकर में रह रहे सभी इंसानों पर हमला
कर देते हैं और सोल्जर्स इनको रोकने की पूरी कोशिश में लगे होते हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि इनको रोक पाना बहुत मुश्किल था। यहाँ तक कि एक एक करके सभी सोल्जर्स भी मारे जा रहे होते हैं। तभी ये ज़ॉम्बी कर्नल के रूम तक पहुंच जाते हैं, जहां से कर्नल नॉक्स और रोज को भागना ही पड़ता है। एंड उसी दौरान हम नॉक्स की एक और ग्रीवी हरकत को देख पाते हैं। जहां नॉक्स और रोज लिफ्ट तक पहुंच गए होते हैं, तो एक और दूसरा कर्नल भागकर लिफ्ट में आ रहा होता है, जहां उसके पीछे काफी ज़ॉम्बीज भाग रहे होते हैं। तो यहां पर नॉक्स ये करता है कि जानबूझकर उस कर्नल के पैर में गोली मार देता है, जिससे सभी ज़ॉम्बीज उस पर हमला कर दें और रोज और वो बचकर यहां से निकल जाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा रोज के लिए इतना क्यों कर रहा है, तो ये बहुत ही बड़ा सनकी और सेल्फिश है। इसका जवाब ये होता है कि नॉक्स स्टार्टिंग से ही रोज से प्यार करता है, लेकिन बेचारे में बताने की हिम्मत नहीं हुई। आगे नॉक्स को अपनी इस हरकत का कर्मा हिट होता है, जहां रोज कहती है कि मुझे लैब ले जाकर मेरे एक्सपेरिमेंट सैंपल लेने हैं, पर नॉक्स तो लिफ्ट रोकने से मना कर देता है, जिसके बाद रोज नॉक्स से गन ही छीन लेती है। वो लिफ्ट रोकने की कोशिश करती है, लेकिन नॉक्स उसको रोकता है और इसी बीच इनकी झपड़ में नॉक्स पर गोली चल जाती है, उसका दी एंड। अब इस दौरान हम मॉर्गन को देखते हैं, जो जेनेट के पास जाकर उसे अपने साथ चलने को कहता है। हालांकि जेनेट भी इन्फेक्टेड होती है, लेकिन उस एंटीडोट को ले जाने की वजह से जेनेट अब तक काफी शांत थी और वो मॉर्गन पर हमला नहीं करती। आगे रोज मॉर्गन और जेनेट को एक साथ देखती है, जहां वो जेनेट को शूट करने वाली होती है, लेकिन मॉर्गन उसको रोक लेता है और कहता है जेनेट अभी तक काफी सही है और वो हमें नहीं काटेगी। तीनों यहां से बंकर से बाहर भागने का रास्ता ढूंढ निकालते हैं, जहां पर वो देखते हैं कि प्रोफेसर उसी रास्ते पर खड़ा है और यहां पर कहानी का असली पत्ता खुलता है। उन्हें यहां पर पता चलता है कि प्रोफेसर मॉर्गन के लिए यहां पर आया हुआ है, क्योंकि मॉर्गन ही अकेला ऐसा ज़ॉम्बी है जिसे काटने पर भी वो इन्फेक्ट नहीं हुआ है और बाकी नॉर्मल इंसानों की तरह रहने लगा। यानी कि मॉर्गन ही पेशेंट जीरो है और उसके जरिए ही वैक्सीन बनाई जा सकती है, जिससे ये सारे ज़ॉम्बीज ठीक हो सकते हैं। बट क्या ज़ॉम्बीज वापस इंसान बनना चाहेंगे? क्योंकि वैसे भी ज़ॉम्बीज इंसानों जितने इंटेलिजेंट तो हैं ही अभी और ताकतवर भी हैं, तो इससे लगता तो नहीं कि वो दोबारा इंसान बनना चाहेंगे, और इसीलिए ज़ॉम्बीज को मॉर्गन को मारना होगा ताकि ऐसी कोई वैक्सीन ही ना बन पाए। तो मॉर्गन प्रोफेसर पर हमला कर देता है, लेकिन तब तक प्रोफेसर बाकी ज़ॉम्बीज को वहां पर बुला लेता है, जिसके बाद जेनेट मॉर्गन और रोज को बंकर से भागने के लिए कहती है और अकेला बंकर में रुककर ज़ॉम्बीज को रोकने का फैसला करती है। जिसका कारण यह होता है कि जेनेट अब काफी हद तक ज़ॉम्बी में बदल चुकी है और रोज भी प्रेग्नेंट होती है, जहां उसके पेट में मॉर्गन का बच्चा होता है। इसके बाद मॉर्गन रोज बंकर से चले जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।